हाय गाइस, आई एम राहुल यादव, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कोर स्ट्रेंथ। कोर स्ट्रेंथ रनिंग के लिए बहुत ही मतलब जरूरी एक्सरसाइज है। अगर आपका कोर मतलब जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा आपका रनिंग उतना ही बेहतर रहेगा, और इससे इतना ज़्यादा आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ जाएगा जिससे आपका जो रनिंग फॉर्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगा। कोर स्ट्रेंथ से हमारे होल बॉडी में स्ट्रेंथ और पावर मिलता है जिससे हम रनिंग बहुत बढ़िया कर पाते हैं। और आप देखते होंगे रनिंग करते टाइम जो आपके पेट में या साइड मसल्स जो होता है उसमें पेन होने लगता है, और अगर आप कोर करते हैं तो ये जो पेन है वो नहीं होगा आपको। जैसे आप लास्ट में जब खींचते हैं तो क्या होता है, जो शोल्डर भर जाता है, तो कोर में बहुत सारे जो एक्सरसाइज हैं जो शोल्डर में बहुत ज़्यादा पावर आपको इंक्रीज कराता है। तो कोर एक्सरसाइज आप मान सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत एक्सरसाइज है, तो आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में जब आप अपने पैर और कंधे को ऊपर उठाते हैं तो आपके कोर और पेट और पीठ के जो निचला हिस्सा होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस एक्सरसाइज को आप 10-10 सेकेंड के होल्ड पर 5 सेट में करना है। ये सारे एक्सरसाइज अगर आप रनिंग करते हैं तो ज़रूर करें, अगर आप रनिंग नहीं भी करते हैं तो भी करें। ये एक्सरसाइज आपको फुल बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। इस एक्सरसाइज को अल्टरनेट करना है। इस एक्सरसाइज से आपका अपर और लोअर दोनों मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज में आप 5 सेकेंड का होल्ड करें और इसको 5 सेट में करें। जब आप राइट हैंड उठाएँ तो उसके बाद उसका जो अपोजिट होता है उस तो लेफ्ट पैर उठाएं, और इसी तरीके से आप इसको करें। एक्सरसाइज को हम वी सिट एब्स एक्सरसाइज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका जो कोर है, अपर मिडिल और लोअर एब्स के साथ साथ आपका जो मांसपेशियां हैं उसको भी मजबूत करता है, और आपका जो बैलेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इस एक्सरसाइज को आप 30 सेकेंड होल्ड करें और 5 से 6 सेट में इसको। इस एक्सरसाइज से आपका जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की मसल्स है उसको मजबूत और अलग करता है। यह एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है जो आपके पेट को भी मजबूत करता है। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको ऊपर उठाकर 5 सेकेंड का होल्ड करना है और फिर नीचे कर लेना है, और उसी टाइप से आपको इसको 5 सेट में करना है। सिंगल लेग ब्रिज में आपका जो हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बैक, ये तीनों मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज को आपको 30 सेकेंड तक होल्ड करना है, और इसको पहले राइट से फिर लेफ्ट से करना है, और 5 सेट में इसको करना है। इस एक्सरसाइज से आपका जो कोर मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज को करते समय आप पूरा ध्यान रखें जो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। इस एक्सरसाइज में आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, पर उसको आपको नीचे की तरफ नहीं जाने देना है, इसको आपको ऊपर की तरफ खींच के रखना है और सेम इसी पोजीशन में करना है। आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है जो ये गलत नहीं हो, और इसको 30 सेकेंड के होल्ड पर 3 सेट में करना है। इस एक्सरसाइज से आपका कोर और जो साइड मसल्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर मिलता है, और शोल्डर में भी बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज से पावर मिलता है और आपको इंजरी से ही बचाएगा। इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट में करना है 30-30 सेकेंड के होल्ड पर, और आप जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जैसे आप साइकिल चलाते हैं उस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज से आपका जो पेट और थाई दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इस एक्सरसाइज को आपको 1 मिनट तक करना है। अगर आप शुरुआत में बिगिनर्स हैं तो इसको 45 सेकेंड ही करें, और आप एडवांस लेवल पे हैं तो इसको 1 मिनट करें। इस एक्सरसाइज से आपका जो कोर है, कोर में बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगा और होल बॉडी में स्ट्रेंथ मिलता है। कोर का यही मतलब ही होता है जो आपके होल बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। इस एक्सरसाइज को आपको 45 सेकेंड करना है, और आप मैंने पिछले भी एक्सरसाइज में बताया है अगर आप एडवांस लेवल पे चले जाएं तो इसको 1 मिनट तक करें। इस एक्सरसाइज से आपका बैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका नेक भी, अगर नेक में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही कर देगा और मजबूत हो जाता है। इस एक्सरसाइज को आपको 45 सेकेंड करना है और इसको 3 सेट में करना है। इस एक्सरसाइज से
आपका पेट और थाई और ग्रोइंग्स तीनों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है। इस एक्सरसाइज को आपको 15-15 के रेप्स लगाने हैं और इसको 3 सेट में करना है। इस एक्सरसाइज से आपका कोर और थाई और नेक तीनों पे असर पड़ता है और ये तीनों मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज को आपको 30-30 सेकेंड करना है।